हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एजुकेशन कम्युनिटी। और आज का हमारा टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन। और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इससे पहले हमने दो इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर चुके हैं, जो कि ईआर डायग्राम, ठीक है, एक तो ईआर डायग्राम और दूसरा है आरडीबीएमएस, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन बेसिकली हम पढ़ के रहे हैं, ठीक है। तो जो भी हम टॉपिक पढ़े हैं, हमने जैसे नॉर्मलाइजेशन पढ़ा पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो वो बेसिकली पढ़ रहे हैं हम आर डी बी एम एस के लिए, ठीक है, आर डी बी एम एस के लिए, ठीक है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में हम क्या करेंगे, जो रिडंडेंसी है और जो एनोमलीज हैं उनको हटाएंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा आर डी बी एम एस के अंदर ही आता है, ठीक है। वो बेसिकली हमें पूरा पढ़ना है सिलेबस में, वो आर डी बी एम एस से ही रिलेटेड पढ़ना है, ठीक है। तो इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से हमें समझ के चलना है, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन है क्या, तो डेफिनेशन की अगर बात करें तो डेफिनेशन है सिस्टमेटिक अप्रोच ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ टेबल, ठीक है। यहाँ पे टेबल का मतलब क्या है, जब आरडीबीएमएस की बात करेंगे तो एक टेबल क्या है, रिलेशन है, ठीक है। तो बेसिकली कर क्या रहे हैं, जो टेबल है, ठीक है, टेबल को डिकम्पोज करके छोटी छोटी टेबल्स में उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। दो टेबल्स को डिवाइड करना मतलब डिकम्पोज करना मतलब तोड़ देना, ठीक है। तो एक बड़ी टेबल को दो छोटी टेबल्स में तोड़ देना, ठीक है। अगर मैं इसी इसी डेफिनेशन को दूसरी तरीके से बोलूँ तो एक बड़ी रिलेशन को दो छोटी रिलेशन में तोड़ देना, ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है इसमें, ये एक बॉटम अप अप्रोच है। बॉटम अप अप्रोच की अगर बात करें, जैसे कि मैंने बोला था कि ईआर डायग्राम आप कब बनाते हैं, ठीक है। तो ईआर डायग्राम बेसिकली जो आपका कस्टमर होगा उसकी रिक्वायरमेंट में आप ईआर डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो जब ईआर डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं तो कस्टमर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होती है, ठीक है। तो जब सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है, ठीक है, तो उससे मतलब आपके पास इंफॉर्मेशन है तो उसके बेसिस पे जो अप्रोच यूज की जाती है वो होती है बॉटम अप अप्रोच। मतलब एक डिटेल एनालिसिस होता है इसमें, ठीक है, बॉटम अप अप्रोच है। अब दूसरी बात, हम नॉर्मलाइजेशन करते क्यों है, ठीक है। तो बेसिकली नॉर्मलाइजेशन करने का कारण ये तीन है, ठीक है। एक तो आप डेटा रिडंडेंसी को एलिमिनेट करना चाहते हैं। अब डेटा रिडंडेंसी होती क्या है, ठीक है, तो अगर एक ही डेटा बार बार आपकी टेबल्स में आए, ठीक है, मतलब डेटा डुप्लीकेट हो आपकी टेबल्स में, ठीक है, तो उसी डुप्लीकेट जो डेटा है उसको हमें हटाना है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं रिडंडेंसी, ठीक है। डेटा रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेट डेटा, ठीक है, एक ही डेटा बार बार यूज हो रहा हो, ठीक है, टेबल में, तो उसको एलिमिनेट करना पड़ता है। दूसरी चीज है इंसर्शन अपडेशन डिलीशन एनोमलीज को हटाना, ठीक है। अब ये इंसर्शन अपडेशन और डिलीशन एनोमलीज क्या होती हैं वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तीसरी चीज होती है डेटा डिपेंडेंसी, इंश्योर करना डेटा डिपेंडेंसी। अब डेटा डिपेंडेंसी इंश्योर कैसे होती है, अगर एक पूरी की पूरी टेबल प्राइमरी की पर, ठीक है, अगर एक पूरी की पूरी टेबल प्राइमरी की पर डिपेंडेंट हो तो वहां पे हमें वो मतलब वहां पे हमें कोई भी समस्या नहीं आती। बट अगर टेबल प्राइमरी की पे डिपेंड ना करे, ठीक है, तो वहां पे हमें समस्या आती। तो हम डेटा इंश्योर करते हैं डेटा की डिपेंडेंसी, मतलब किसी ना किसी की पर ही हमारी टेबल डिपेंडेंट हो, ठीक है, तो बेटर है, ठीक है। अब बात करें, जब हम डिकम्पोजिशन करते हैं टेबल का, ठीक है, तो दो तरीके के डिकम्पोजिशन होते हैं, एक लॉसलेस डिकम्पोजिशन होता है और दूसरा होता है लॉसी डिकम्पोजिशन, ठीक है। अब हम बात करेंगे नॉर्मल फॉर्म की, ठीक है। तो नॉर्मल फॉर्म बेसिकली कितने होते हैं, ठीक है, तो 7 NF तक हम पहुंच सकते हैं, बट इतना ज़्यादा हमारे सिलेबस में पूछेंगे नहीं, हमें सिर्फ BCNF तक पढ़ना है, ठीक है, BCNF तक हमसे पूछा जाता है, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि अगर नॉर्मलाइजेशन ना हो, ठीक है, अगर नॉर्मलाइजेशन हम ना करें, ठीक है, तो अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे तो पूरा का पूरा डेटा हमें एक ही टेबल में स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया, जो कि हम हमेशा ही लेके चल रहे हैं, चाहे वो ईआर डायग्राम हो या फिर आरडीबीएमएस हो, ठीक है। तो एक स्टूडेंट है और प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो स्टूडेंट और प्रोजेक्ट के लिए मैंने एक टेबल बना दी। मान लीजिए स्टूडेंट है और प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो बेसिकली अगर एक स्टूडेंट है तो ठीक है, तो वो उसको आप एक ही आईडी देंगे, उसी से उसका आइडेंटिफिकेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो स्टूडेंट राज है, ठीक है, तो उसकी आईडी 1 है, ठीक है, क्योंकि सेम स्टूडेंट है। उसी प्रकार जो स्टूडेंट राज है उसकी भी आईडी 1 है, बट स्टूडेंट जो राज है वो दो प्रोजेक्ट बना रहा है, एक P1 बना रहा है और एक P3 बना रहा है, ठीक है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, जो स्टूडेंट राज है, ठीक है, 1 ID वाला, उसकी अगर आप इन्फॉर्मेशन देखें तो यहाँ तक की जो इन्फॉर्मेशन है उसकी, ठीक है, फिर आप स्टूडेंट राज की इन्फॉर्मेशन देखें, ठीक है, क्योंकि ये दोनों स्टूडेंट सेम ही है, तो यहाँ तक की भी इन्फॉर्मेशन उसकी सेम है,
ठीक है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट अलग अलग बना रहा है तो ये इन्फॉर्मेशन इसकी डिफरेंट हो गई। अब मान लीजिए ये स्टूडेंट राज प्रोजेक्ट 4 भी बना रहा हो, ठीक है, तो यहाँ पे भी इसकी इन्फॉर्मेशन पूरी क्या होगी, रिपीट होगी। मींस आपको सिर्फ ये वाली इन्फॉर्मेशन चेंज करने के लिए, ठीक है, ये वाला डेटा को चेंज करने के लिए ये जो रो है इसको बार बार फिल करना पड़ेगा। ठीक है, इसको अगर बार बार आप फिल करेंगे, ठीक है, तो ये जो स्पेस लेगी आपकी डेटाबेस में, ये डेटाबेस का साइज को बढ़ा देगी, ठीक है, ज़्यादा स्पेस लेगी। और जो रिपीटेशन हो रहा है इसी रो का बार बार, ठीक है, इसी को आप बोल सकते हैं डेटा रिडंडेंसी। ठीक है, तो जब डेटा रिडंडेंसी होती है तो डेटा रिडंडेंसी मेनली 3 प्रॉब्लम्स अराइज करती है, ठीक है, 3 प्रॉब्लम्स अराइज करती है, उसको बोलते हैं अपडेशन, इंसर्शन और डिलीशन। ठीक है, अपडेशन, इंसर्शन और डिलीशन। अब बेसिकली ये प्रॉब्लम्स क्या होती है, मान लीजिए स्टूडेंट राज है, ठीक है, और उसकी जो एज है उसकी एज हमने गलती से 16 डाल दी, बट उसकी एज क्या थी, 18 थी। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस डेटा को अपडेट करके 16 की जगह 18 करना पड़ेगा। अब मान लीजिए ये जो डेटा है यहाँ 3 जगह ऐसी, जो ऐसा ये डेटा हमारा 5 जगह यही सेव है, ठीक है, यही जो रो है वो 5 जगह इस टेबल में यूज की गई है। ठीक है, तो मुझे 5ों जगह ही इस 16 को 18 करना पड़ेगा, बट अगर मैं ऐसा नहीं कर पाता हूँ तो इसी को मैं बोल दूंगा ये अपडेशन एनोमलीज है। ठीक है, और अगर हम बात करें अब इंसर्शन की, अब मान लीजिए इंसर्शन एनोमली क्या है, मान लीजिए जो मैंने यहाँ पे PID है, ठीक है, PID को अगर मैंने नॉट नल कर दिया, ठीक है, प्रोजेक्ट आईडी को अगर मैंने नॉट नल कर दिया, ठीक है, ये क्या होता है, कंस्टेंट। ठीक है, अगर प्रोजेक्ट आईडी को मैंने नॉट नल कर दिया, और मान लीजिए कोई एक ऐसा स्टूडेंट है, ठीक है, जिस जो एक भी प्रोजेक्ट नहीं बना रहा है, ठीक है, ऐसा स्टूडेंट है जो एक भी प्रोजेक्ट नहीं बना रहा है, तो जब मैं ये डिटेल फिल करूंगा, ठीक है, इस डिटेल को इंसर्ट करूंगा, ठीक है, तो मैं जो PID है उसको नल नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो एक भी प्रोजेक्ट नहीं बना रहा, और आपने क्या कर दिया, पहले ही डिफाइन कर दिया कि ये वैल्यू नॉट नल होगी। ठीक है, तो इस केस में जो एनोमलीज आती है वो आती है इंसर्शन एनोमलीज। ठीक है, अब बात करें हम डिलीशन एनोमलीज की। ठीक है, तो डिलीशन एनोमलीज क्या बोलती है, मान लीजिए आपको कोई भी एक रिकॉर्ड डिलीट करना है, ठीक है, बेसिकली आप एक प्रोजेक्ट को हटाना चाहते हैं, प्रोजेक्ट P1 को हटाना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट आउट ऑफ सिलेबस हो गया है। ठीक है, तो अगर आप इस प्रोजेक्ट को आप हटाना चाहते हैं तो आप इस प्रोजेक्ट को सिंगल इस प्रोजेक्ट को हटा नहीं पाएंगे, आपको ये पूरी ही रो हटानी पड़ेगी, जबकि स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, मगर एक प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन को डिलीट करने के लिए, क्योंकि पूरा डेटा एक ही रो में लिखा हुआ है, तो पूरी इन्फॉर्मेशन हमें डिलीट करनी पड़ेगी, तो इसी को बोलते हैं हम डिलीशन एनोमलीज। और बेसिकली इसका कारण यही है, क्योंकि ये रिडंडेंसी के कारण मुझे करना पड़ रहा है। ठीक है, तो हमें नॉर्मलाइजेशन की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पहली प्रॉब्लम है डेटा रिडंडेंसी, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट है डेटा रिडंडेंसी। दूसरी प्रॉब्लम्स है एनोमलीज की, जो कि अराइव होती है रिडंडेंसी के कारण, और तीसरी हमें जो डिपेंडेंसी चाहिए, ठीक है, टेबल्स में अगर प्राइमरी की कोई की यूनिक हो तो उसके कारण हम डिपेंडेंसी ले सकते हैं। ठीक है, तो डिपेंडेंसी होनी चाहिए। अब हम देख रहे हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है, ठीक है, फिर है सेकंड नॉर्मल फॉर्म, फिर है आपका थर्ड नॉर्मल फॉर्म, फिर है आपका BCNF। ठीक है, तो जब भी रिलेशनशिप अगर मैं बोलूँ कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म में के लिए क्या कंडीशन होगी, तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए आप बोलेंगे कि 1NF में होना चाहिए, ठीक है, और फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी होनी चाहिए। ठीक है, अब ये आप इसलिए बोलेंगे, मान लीजिए आप फर्स्ट क्लास में थे, ठीक है, तो सेकंड क्लास में आने के लिए आपको क्या होना चाहिए, फर्स्ट क्लास में पास होना चाहिए, उसके बाद एक कंडीशन है फर्स्ट क्लास की। ठीक है, इसी प्रकार थर्ड NF में आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे सेकंड क्लास में पास होना चाहिए, मतलब सेकंड NF होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार अगर BCNF की बोलूँ तो 3NF में होना चाहिए, प्लस एक कंडीशन उसके साथ लग जाती है। ठीक है, तो ये आपको जान के रखना है। ठीक है, अब बेसिकली जो 1NF में हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कि ऑल द एट्रीब्यूट इन अ टेबल मस्ट हैव अ एटॉमिक वैल्यू। ठीक है, प्रैक्टिकल पर्पस के हिसाब से ये जो पॉइंट है, फर्स्ट जो पॉइंट है, ये इनफ है। ठीक है, क्योंकि अगर प्रैक्टिकली अगर हम टेबल बनाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हम पहले ही डिक्लेयर कर देते हैं डेटाबेस में। ठीक है, तो प्रैक्टिकली तो फर्स्ट पॉइंट सही है कि ऑल एट्रीब्यूट इन अ टेबल मस्ट हैव अ एटॉमिक वैल्यू, मतलब सारे एट्रीब्यूट जो भी टेबल्स में होंगे, ठीक है, उनकी जो वैल्यू होगी वो एटॉमिक। एटॉमिक वैल्यू का मतलब है सिंगल वैल्यू। ठीक है, सिंगल वैल्यू,
सिंगल वैल्यू का मतलब है उस वैल्यू को डिवाइड नहीं किया जाए, मतलब एक कॉलम में सिर्फ एक ही वैल्यू। अब हम बात करें स्टूडेंट टेबल की, ठीक है। तो स्टूडेंट टेबल में अगर आप देखें, एस नेम राज है, राज के दो मोबाइल नंबर हैं और इसको कॉमा लगा के दो मोबाइल नंबर लिख दिए, ठीक है। तो ये तो क्या हो गई, दो वैल्यू हो गई, हमें तो सिर्फ सिंगल वैल्यू चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार रवि के भी दो नंबर हैं, उनको भी कॉमा लगा के दो में लिख दिया, ठीक है। तो जब मैं इस टेबल को, अगर इस ये टेबल क्या है, अब फर्स्ट एनएफ में नहीं है क्योंकि इसमें क्या है, सिंगल वैल्यू एटॉमिक वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस टेबल को नीचे लिख देंगे और जो राज राज करके दोनों को सिंगल सिंगल वैल्यू में लिख देंगे, ठीक है। अब ये जो टेबल, ये जो डेफिनेशन है एग्जाम में, क्योंकि ये एक क्या बोलते हैं एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे चार, ठीक है। तो सिर्फ यही डेफिनेशन से अगर फर्स्ट एनएफ अगर आप पढ़ लेते हैं और आपको दूसरी डेफिनेशन या फिर दूसरे जो पॉइंट्स अगर दे दिए जाएंगे तो आप एग्जाम में टिक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं वन एनएफ में, ठीक है। तो आप देखें तो फर्स्ट पॉइंट तो हमने पढ़ लिया है, वैल्यू ऑफ ईच एट्रीब्यूट इज एटोमिक, ठीक है। तो हर एक वैल्यू जो एटोमिक, एटोमिक होना मतलब सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, एट्रीब्यूट की। अब दूसरी तरीके से इसको ये भी लिख सकते हैं, ये पूछे गए हैं ईच रो एंड कॉलम इंटरसेक्शन कंटेन एग्जैक्टली वन वैल्यू। तो रो और कॉलम जब इंटरसेक्ट करते हैं तो उस जगह को बोलते हैं हम सेल, ठीक है। तो वो भी एक एट्रीब्यूट के अंदर ही आएगी, ठीक है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है उसको इस तरीके से ही पूछ लिया जाता है, ईच रो एंड कॉलम इंटरसेक्शन कंटेन एग्जैक्टली वन वैल्यू, ठीक है। सेकेंड पॉइंट बोलता है ऑल एंट्रीज इन एनी कॉलम मस्ट बी ऑफ सेम काइंड, ठीक है। तो अगर कॉलम वन है, ठीक है, और कॉलम टू है, कॉलम थ्री है, ठीक है, तो सेम काइंड का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए अगर कॉलम वन मैंने डिक्लेयर किया है क्या नंबर, ठीक है, तो कॉलम वन नंबर डिक्लेयर किया है तो सारी वैल्यू नंबर ही होनी चाहिए। कॉलम टू अगर मैंने डिक्लेयर किया है क्या कैरेक्टर, ठीक है, तो वार कैरेक्टर, ठीक है, तो वो क्या होनी चाहिए, सारे कैरेक्टर मतलब टेक्स्ट के फॉर्म में ही होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से सारे कॉलम जो होंगे अगर वो डिक्लेयर किए गए हैं नंबर या फिर डिक्लेयर किए हैं कैरेक्टर, तो वो कैरेक्टर ही होने चाहिए, ठीक है। ईच कॉलम मस्ट हैव, ईच कॉलम मस्ट हैव यूनिक नेम, ठीक है, यूनिक नेम, ठीक है, ईच कॉलम मस्ट हैव यूनिक नेम, ठीक है। तो हर एक कॉलम का जो नाम हो यूनिक हो, जैसे मान लीजिए अगर एक टेबल में नेम आईडी नेम है, ठीक है, तो दोबारा वो नेम नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये जो कॉलम का नाम है वो डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। नो टू रो आर आइडेंटिकल, ठीक है, दो रो आइडेंटिकल नहीं होनी चाहिए। कि मान लीजिए इस तरीके से आपको दे दिया गया, ठीक है, कि स्टूडेंट वन, ठीक है, राज, ठीक है, PID 1, ठीक है, और इसके बाद आप प्रोजेक्ट दे दिया LMS, इसी प्रकार इसको रिपीट कर दिया है, ठीक है, इस प्रकार रिपीट कर दिया, ठीक है। तो ये तो पूरा एक सेम ही डाटा हो गया, ठीक है। तो ये जो रहती हैं दो रो आइडेंटिकल नहीं होने चाहिए। नो लेफ्ट टू राइट ऑर्डरिंग, ठीक है, ये पूछा गया, नो लेफ्ट टू राइट ऑर्डरिंग, नो लेफ्ट टू राइट ऑर्डरिंग ऑफ रो, क्योंकि लेफ्ट टू राइट अगर बात करें तो ये एक रो होगी। नो लेफ्ट टू राइट ऑर्डरिंग ऑफ रो एंड नो टॉप टू बॉटम ऑर्डरिंग ऑफ कॉलम, ठीक है। तो ना तो लेफ्ट टू राइट ऑर्डरिंग होनी चाहिए, ठीक है, जरूरी नहीं कि ऑर्डर में ही हो, ठीक है, ये कैसे भी हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे नो लेफ्ट टू राइट ऑर्डरिंग ऑफ रो, नो टॉप टू बॉटम ऑर्डरिंग ऑफ कॉलम, ठीक है। और सिक्स्थ जो पॉइंट है, ऑल कॉलम ऑफ रेगुलर, ऑल कॉलम ऑफ रेगुलर का मतलब ये कोई भी हिडन कॉलम नहीं होनी चाहिए। जैसे कि कंपोजिट एट्रीब्यूट की अगर बात करें, ठीक है, तो कंपोजिट एट्रीब्यूट की अगर बात करें तो नेम, ठीक है, तो नेम के अंदर एक ही कॉलम की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी हिडन कॉलम आपका होने चाहिए, नहीं चाहिए, ऑल कॉलम आर रेगुलर, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट आपके वन एनएफ के लिए, और मेनली जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रहता है वो हमारा रहता है ऑल एट्रीब्यूट इन अ टेबल मस्ट हैव एटॉमिक वैल्यू, ठीक है। तो फर्स्ट एनएफ के लिए कंडीशन क्या बनती है, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, क्योंकि इसके अलावा सारी कंडीशन रिलेटेड ही हैं और मैंने आपको एक एक बात बता दिया है सबको, तो आप वो रिमेंबर कर लें, ठीक है। तो फर्स्ट एनएफ के लिए इंपॉर्टेंट होता है एटॉमिक वैल्यू, ठीक है। तो एट्रीब्यूट्स की जो वैल्यू होनी चाहिए वो एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकेंड एनएफ की, अब हम बात कर रहे हैं सेकंड एनएफ की, ठीक है। तो सेकंड एनएफ के लिए सबसे पहले कंडीशन की बात करें, ठीक है। तो सेकंड एनएफ के लिए कंडीशन होती है कि पहले तो वो उसको फर्स्ट एनएफ में होना चाहिए, मतलब फर्स्ट क्लास पास करनी चाहिए अगर सेकंड क्लास में आए, ठीक है। और दूसरी होनी चाहिए फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी या फिर कंप्लीट फंक्शनल डिपेंडेंसी, एक ही बात है, या फिर फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी होनी चाहिए या फिर कंप्लीट फंक्शनल डिपेंडेंसी होनी चाहिए, ठीक है। अब पार्शियल अगर फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी, पार्शियल
फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी तो वो 2NF में नहीं होगा। अब पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है, ठीक है, तो बेसिकली पहले हम बात करें फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी की। तो फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या बोलती है, तो फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी बोलती है कि कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो है वो डिपेंड करना चाहिए प्राइम एट्रीब्यूट पे। मीन्स प्राइम एट्रीब्यूट की मदद से हम नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर सकते हैं। मीन्स अगर मैं बात करूं फंक्शनल डिपेंडेंसी की, अगर ये इस तरीके से लिखा x, ठीक है, फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन y, ठीक है, x ड्राइव टू y, ठीक है, x ड्राइव टू y, तो इसका मतलब ये है कि y जो है वो डिपेंडेंट कर रहा है x पे, ठीक है, y जो है डिपेंडेंट कर रहा है x पे, और x जो है वो हमारा प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए और जो बाय है वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। अब ये प्राइम एट्रीब्यूट और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या है वो हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। तो प्राइम एट्रीब्यूट की अगर बात करें, एनी पार्ट ऑफ कैंडिडेट की, एनी पार्ट ऑफ कैंडिडेट की, अब अगर हम आपको याद हो तो इस एग्जांपल में, ठीक है, स्टूडेंट प्रोजेक्ट आईडी, ठीक है, तो स्टूडेंट के एग्जाम्पल में हमने जो प्राइम कैंडिडेट की निकाली थी, ठीक है, स्टूडेंट आईडी आपको पता होगा, ठीक है, मोबाइल नंबर, ठीक है, फिर हमने ईमेल आईडी निकाली थी, ठीक है, इस तरीके से हमने कुछ आईडी निकाली थी, ठीक है। तो जो हमारा प्राइम एट्रीब्यूट होगा वो इसका ही पार्ट होगा, ठीक है, कैंडिडेट की का पार्ट होगा। सबसे स्ट्रॉन्ग की अगर बात करें तो यहाँ से निकल जाएगा हमारा क्या, एस आई डी, ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्ग की अगर बात करें तो एस आई डी हमारा प्राइम एट्रीब्यूट निकल जाएगा। उसके अलावा अगर जो भी एट्रीब्यूट हो, ठीक है, उसके अलावा जो भी एट्रीब्यूट हो, चाहे वो पीआईडी हो, ठीक है, एस नेम हो या फिर प्रोजेक्ट नेम हो, ठीक है, स्टूडेंट नेम हो या प्रोजेक्ट नेम हो, ठीक है, वो क्या होंगे हमारे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, ठीक है। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट मतलब सारे के सारे जो प्राइम एट्रीब्यूट पे डिपेंड करना चाहिए नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को, तब तो वो फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी, तब तो वो फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी। बट अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो जो डिपेंडेंसी होती है वो होती है पार्शियल डिपेंडेंसी। अब हम बात करेंगे टेबल की, ठीक, तो अब टेबल की अगर बात करें तो स्टूडेंट आईडी, ठीक है, स्टूडेंट आईडी से आप स्टूडेंट नेम को तो डिटरमाइन कर रहे हैं, ठीक है, स्टूडेंट आईडी से आप स्टूडेंट नेम को तो डिटरमाइन कर पा रहे हैं, बट प्रोजेक्ट आईडी की मदद से, ठीक है, सॉरी, बट स्टूडेंट आईडी की मदद से आप प्रोजेक्ट का नेम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। स्टूडेंट आईडी की मदद से आप प्रोजेक्ट का नेम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है, इनके कॉम्बिनेशन से तो आप बना सकते हैं टेबल्स में, ठीक है, इसके कॉम्बिनेशन से तो बता सकते हैं, बट स्टूडेंट आईडी अकेले के कॉम्बिनेशन से पूरी टेबल को डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं। इसी प्रकार अगर बात करूं कि प्रोजेक्ट आईडी की मदद से हम प्रोजेक्ट नेम को डिटरमाइन कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि स्टूडेंट आईडी की मदद से हम स्टूडेंट नेम को डिटरमाइन कर पाए, ठीक है, इसी प्रकार प्रोजेक्ट आईडी की मदद से हम प्रोजेक्ट नेम को डिटरमाइन कर पाए, ठीक है। तो इस केस में जब दो की पे डिपेंड कर रही है हमारी टेबल जो है वो दो अलग अलग की पे डिपेंड कर रही है, एक पीआईडी और एक स्टूडेंट आईडी, ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी, ठीक है, पार्शियल डिपेंडेंसी, ठीक है। तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी को हमें रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है, इस पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करना पड़ेगा, तो इस टेबल्स को डिवाइड करना पड़ेगा दो पार्ट्स में, डिकम्पोज करना पड़ेगा दो पार्ट में, एक पार्ट में हम स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और प्रोजेक्ट आईडी रख देंगे और दूसरे पार्ट में हम प्रोजेक्ट आईडी और प्रोजेक्ट नेम रख देंगे, ठीक है। ये हमने क्यों किया, उसका सीधा का सीधा कारण ये था, बेसिकली अगर हम प्रैक्टिकल पे जाएं तो प्रैक्टिकल हमें ये बोलता है कि एक टेबल को अगर हम डिपेंडेंसी बनाना डिपेंडेंट बनाना चाहते हैं किसी की पे, तो हमें बेसिकली उस टेबल में एक ही प्राइमरी की रखनी है, ठीक है, एक ही प्राइमरी की रखनी है। बट अगर मेनी टू मेनी रिलेशनशिप हो गया, तो मान लीजिए स्टूडेंट फोर है, ठीक है, तो यही स्टूडेंट फोर यहाँ पे रहेगा आपका अमित, ठीक है, फोर आईडी आप लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और जो प्रोजेक्ट है, मान लीजिए प्रोजेक्ट पी टू बना रहा है अमित, अब हो सकता है प्रोजेक्ट पी वन बनाए अमित ही बनाए, ठीक है, तो अब हो क्या रहा है, ये भी की यूनिक नहीं हो रही, ठीक है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, बट कंपोजिट की तो हमें चाहिए नहीं है, ठीक है। तो जब भी आप बेसिकली प्रैक्टिकल में यही करते हैं ना कि प्राइमरी की पर डिपेंड, दो ही की यूज़ करते हैं, प्राइमरी की या हुई या फिर फॉरेन की हुई, ठीक है, तो बेसिकली पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो पार्शियल डिपेंडेंसी को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, टेबल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब इस टेबल्स में देखें तो एस आई डी आपकी प्राइमरी की है, ठीक है, और इस टेबल में देखें तो पीआईडी आपकी प्राइमरी की है, ठीक है। इन दोनों टेबल को ज्वाइन करने के लिए, ठीक
ठीक है, इन दोनों टेबल को ज्वाइन करने के लिए इसको हम फॉरेन की अज्यूम करेंगे। ये बात हम कर चुके हैं जब मैंने डिस्कस की थी कीज बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जानी चाहिए। अब हम बात करेंगे थर्ड एनएफ की, ठीक है। तो सेकंड एनएफ की कंडीशन क्या हो गई, एक तो फर्स्ट एनएफ में होना चाहिए और फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी होनी चाहिए, ठीक है। और जो प्राइम एट्रीब्यूट्स है उस पर डिपेंड करना चाहिए नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, ठीक है। प्राइम एट्रीब्यूट पर डिपेंड करना चाहिए नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, ठीक है, फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी के लिए, ठीक है। अब बात करेंगे हम थ्री एनएफ की, तो अब बात कर रहे हैं थर्ड एनएफ की, ठीक है। तो थर्ड एनएफ में सबसे पहली कंडीशन है टू एनएफ में होना चाहिए, ठीक है, और नॉन ट्रांसिटिविटी और नॉन ट्राइवल फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है, नहीं, ठीक है। तो थ्री एनएफ की कंडीशन है सेकेंड एनएफ में होना चाहिए, ठीक है, और ट्रांसिटिविटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ट्रांसिटिविटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जो प्राइम एट्रीब्यूट है, ठीक है, प्राइम एट्रीब्यूट क्या होता है, पार्ट ऑफ कैंडिडेट की, ठीक है, एनी पार्ट ऑफ कैंडिडेट की, कैंडिडेट की का कोई सा भी पार्ट हो सकता है आपका प्राइम एट्रीब्यूट। और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट वो, ठीक है, जो कैंडिडेट यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगी प्राइमरी की, उसके बाद जो भी पार्ट होगा वो आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैंडिडेट की, ठीक है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पार्ट नहीं होगा कैंडिडेट की का। अब जो प्राइम एट्रीब्यूट है उस पर डिपेंड करेगा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, ठीक है, नॉन ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट, ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच में ट्रांजिटिविटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ये ट्रांजिटिविटी क्या होती है उसको थोड़ा सा पहले यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। मान लीजिए ए बी और सी, ठीक है, ए से आप डिटरमाइन करते हैं बी को, ठीक है, इसी प्रकार आप ए से डिटरमाइन कर रहे हैं सी को, ठीक है, ए से डिटरमाइन करते हैं बी को, ए से डिटरमाइन कर रहे हैं आप सी को, और सी से आप डिटरमाइन करते हैं डी को, ठीक है। तो ए से सी को किया, सी से डी को किया, ठीक है, तो बेसिकली ए से आप डायरेक्टली डी को डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम ट्रांजिटिविटी, ए से सी को किया, सी से डी को किया, तो डायरेक्टली ए से डी को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये जो ट्रांजिटिविटी है इसको हमको हटाना है, क्योंकि हमें क्या करना है बेसिकली, अगर प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करें तो पूरी की पूरी टेबल हमारी प्राइमरी की पे डिपेंडेंट बन जाए, क्योंकि डिपेंडेंसी को ही हमें प्रिजर्व करना है, ठीक है। तो बेसिकली एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में अगर आप देखें, ठीक है, तो स्टूडेंट आईडी से आप स्टूडेंट नेम को भी डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है, जिप कोड को भी डिटरमाइन कर सकते हैं, बट स्टूडेंट आईडी से आप सिटी को डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्योंकि सिटी जो है वो डिपेंड कर रही है जिप कोड पे, सिटी जो है जिप कोड पे। मान लीजिए अगर एक जिप कोड है 47300, ठीक है, तो ये किसी एक पर्टिकुलर सिटी का होगा, इस कोड के करस्पोंडिंग जो सिटी होगी तो इस कोड को डिटरमाइन करना पड़ेगा, फिर ये कोड डिटरमाइन करेगा उस सिटी को, ठीक है। तो जिप कोड जो है, ठीक है, जो सिटी है सिटी डिपेंडेंट कर रही है आपकी जिप कोड पे, ठीक है। तो जिप कोड से आप डिटरमाइन करते हैं सिटी को, ठीक है। तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, एस आई डी की मदद से हम जिप कोड तक ही निकाल पा रहे हैं, बट जिप कोड की मदद से हमें सिटी निकाल रही है, ठीक है। तो अगर इसको अगर मैं बोलूँ एस आई डी टेंस टू, ठीक है, एस आई डी से आप जिप कोड निकालेंगे और जिप कोड की मदद से, ठीक है, एस आई डी से जिप कोड निकालेंगे, ठीक है, और जिप कोड की मदद से आप सिटी निकालेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, एसआईडी की मदद से जिप कोड निकाल पा रहे हैं, तो यही जो है एसआईडी की मदद से हम सिटी निकाल पा रहे हैं, ठीक है। तो यही ट्रांजिटिविटी है, या इस ट्रांजिटिविटी को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, डिकम्पोज करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक में एस आई डी रख देंगे, एस नेम रख देंगे और जिप कोड, क्योंकि एस आई डी की मदद से जिप कोड भी निकाल पा रहे हैं और एस नेम भी निकाल पा रहे हैं, ठीक है। फिर जिप कोड की मदद से यहाँ पे सिटी निकाल पा रहे हैं, ठीक है। तो ये दो टेबल्स में डिवाइड कर दिया, इस टेबल में ये प्राइमरी की होगी, इस टेबल में भी ये प्राइमरी की होगी, क्योंकि मैंने क्या बोला था, जो फंक्शन डिपेंडेंसी है उसको हमें बना के रखना पड़ता है, ठीक है, डिपेंडेंसी को बना के रखना पड़ता है, इसलिए दोनों को प्राइमरी की दे दी। अब इन दोनों टेबल्स को जोड़ने के लिए, ठीक है, तो ये क्या होगी हमारी फॉरेन की, क्योंकि एक कॉलम्स को हम यूनिक रखते हैं, ठीक है, दोनों में एक कॉलम्स को हम सेम रखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारी जो कंडीशन हो गई थ्री एन एफ के लिए, तो पहली तो हो गई टू एन एफ में होना चाहिए, ठीक है, और नॉन ट्रांजिटिविटी होना चाहिए, मतलब ट्रांजिटिविटी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो प्राइम एट्रीब्यूट है वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पर डिपेंडेंट करेगा, बट नॉन ट्रांजिटिविटली, ठीक है, नॉन ट्रांजिटिविटली, ठीक है। और एक और कंडीशन आप बात करें तो ये कंडीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, और इसको घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो अल्फा टेंस टू बीटा अगर एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है, अल्फा टेंस टू बीटा एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है, तो अल्फा मस्ट अल्फा या तो अल्फा आइदर सुपर की हो
या तो अल्फा सुपर की हो या फिर बीटा जो है वो प्राइम एट्रीब्यूट हो, ठीक है, दोनों में से एक होगा, ठीक है, दोनों एक साथ नहीं, ठीक है, या तो अल्फा सुपर की हो या फिर जो बीटा है वो प्राइम एट्रीब्यूट हो, ठीक है। अब जब सुपर की बोल दिया, ठीक है, जब सुपर की बोल दिया तो सुपर की में मैंने बताया था सुपर की क्या होती है, सुपर सेट ऑफ कैंडिडेट की, ठीक है। तो सुपर की में यहाँ पे कैंडिडेट की अगर आपको पूछ लिया जाए, ठीक है, अगर अल्फा कैंडिडेट की है, ठीक है, तो ये रिलेशनशिप क्या 3NF में होगा, ठीक है, तो भी आप क्या बोलेंगे होगा, अगर ये अल्फा प्राइमरी की है, क्योंकि सुपर की के अंदर ही, ठीक है, सुपर की के सेट के अंदर ही आपकी कैंडिडेट की होती है और कैंडिडेट की के सेट के अंदर प्राइमरी की होती है और फिर होती है सुपर की, ठीक है। तो प्राइम ये घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। तो अगर बोल दे कि एक रिलेशनशिप है, ठीक है, जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है वो कैंडिडेट की पे डिपेंडेंट किया हुआ है, ठीक है, जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है वो कैंडिडेट की पे डिपेंड किया हुआ है, तो क्या रिलेशनशिप थ्री नॉन ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट किया हो कैंडिडेट की पे, तो रिलेशनशिप 3NF में होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर कैंडिडेट की तो पार्ट ऑफ सुपर की का है तो वो क्या होगा आपका 3NF में होगा। अब प्राइम एट्रीब्यूट सब पार्ट ऑफ कैंडिडेट की, ठीक है, तो प्राइम एट्रीब्यूट कैंडिडेट की का पार्ट है, ठीक है, तो ये कैंडिडेट की जाएंगे क्योंकि कैंडिडेट की के अंदर प्राइमरी की है, तो प्राइमरी की भी होगा तो भी ये क्या होगा आपका 3NF में होगा, ठीक है। तो ये जो बेसिक हमने पढ़े थे RDBMS में, ठीक है, RDBMS में इसमें जो हमने की पढ़ी नहीं, हमने इसलिए अच्छी तरीके से पढ़ी थी क्योंकि उनका यूज हम 3NF में कर सकें, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है, अल्फा टेंस टू, अगर बीटा एक फंक्शनल डिपेंडेंसी दे रखी हो तो अल्फा या तो सुपर की हो या फिर बीटा क्या हो प्राइम एट्रीब्यूट, ठीक है। तो ये था हमारा 3NF, ठीक है। अब बात करते हैं BCNF की, अब हम बात कर रहे हैं BCNF की, ठीक है। तो BCNF कोई अलग से नॉर्मल फॉर्म नहीं है, बेसिकली जो 3NF है, ठीक है, 3NF को ही एक्सटेंड किया गया है, थोड़ी सी उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है उसको, ठीक है। तो 3NF को ही कुछ उसमें चीज़ें ऐड की गई हैं, ठीक है, तो स्ट्रिक्ट कर दिया गया है उसको, और उसको हम बोलते हैं BCNF, ठीक है। तो BCNF का फॉर्म है वॉइस कोड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। तो वॉइस कोड नॉर्मल फॉर्म क्या बोलता है, अगर बेसिकली BCNF के लिए आपको क्या होनी चाहिए, कंडीशन क्या होनी चाहिए, पहले तो बात तो 3NF, ठीक है, 3NF प्लस अब जो कंडीशन होगी वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो 3NF में तो होना ही चाहिए उसको, ठीक है। अब BCNF के लिए अगर एक एक फंक्शनल डिपेंडेंसी दे रही है अल्फा टेंस टू बीटा, ठीक है, तो इसमें जो अल्फा है, ठीक है, वो मस्ट बी सुपर की, मस्ट बी सुपर की, ठीक है, बट उसमें क्या था, सुपर की भी हो या तो सुपर की हो या फिर जो बीटा है वो आपका प्राइम एट्रीब्यूट हो, ठीक है, तो उसमें इस तरीके से दे रखा था, बट इसमें इसने बोल दिया कि सुपर की ही होना चाहिए, ठीक है। तो BCNF के लिए सीधी सी कंडीशन है कि अल्फा मस्ट बी अ सुपर की, ठीक है। अब कुछ चीजें हम बात करते हैं, तो जब हम बात करते हैं सेकंड NF की, ठीक है, तो सेकंड NF में, ठीक है, हम बात कर रहे हैं फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी की, फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी होनी चाहिए 1NF के साथ, फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी इंट्रोड्यूस जो हुई है, फंक्शनल डिपेंडेंसी इंट्रोड्यूस होती है हमारी सेकंड NF से, ठीक है, सेकंड NF से हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी इंट्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ठीक है। अब हम बात करते हैं, स्टार्ट पे ही आ जाते हैं और जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली 1NF, 2NF और 3NF और BCNF, ठीक है। तो BCNF तक बेसिकली हम क्या करते हैं, यहाँ तक हम इलिमिनेट कर चुके होते हैं, ठीक है। तो एनोमलीज यहाँ तक हमारी इलिमिनेट हो जाती हैं, ठीक है, एनोमलीज जो रहती हैं वो इलिमिनेट कर पाते हैं हम यहाँ तक। उसके बाद जो भी नॉर्मल फॉर्म करते हैं, ठीक है, वो हम बेसिकली डेटा रिडंडेंसी के लिए करते हैं, डेटा रिडंडेंसी को इलिमिनेट करने के लिए ही करते हैं, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब 1NF में एटॉमिक वैल्यू, ठीक है, 1NF में एटॉमिक वैल्यू होना चाहिए, 2NF के लिए 1NF में होना चाहिए और फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी होना चाहिए, 3NF की बात करें तो 2NF में होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे नॉन ट्रांजिटिविटी होना चाहिए। BCNF की बात करें तो जैसे 3NF में अल्फा टेंस टू बीटा अगर रिलेशनशिप है, ठीक है, तो अल्फा जो है वो सुपर की हो, या तो अल्फा सुपर की हो 3NF के लिए, या फिर बीटा जो है वो प्राइम एट्रीब्यूट हो, ठीक है, बीटा जो है वो प्राइम एट्रीब्यूट हो। अगर हम बात करें BCNF की, तो BCNF ने बोल दिया है कि अल्फा मस्ट बी सुपर की, ठीक है, तो अल्फा जो है वो सुपर की ही होना चाहिए। अब 4NF की अगर बात करें, ठीक है, अगर डायरेक्टली बात कर देते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी बता ही देता हूँ, ठीक है। तो 4NF की बात करें तो नॉन मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी, नॉन मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी, ठीक है,
तो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी 4NF में नहीं होना चाहिए। और इसी प्रकार अगर हम बात करें तो नो ज्वाइन डिपेंडेंसी, ठीक है, नो ज्वाइन डिपेंडेंसी, नो ज्वाइन डिपेंडेंसी मतलब कोई भी ज्वाइन डिपेंडेंसी 5NF में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक बता दिया मैंने ओवरव्यू टाइप का, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। तो बिल्कुल इन डेप्थ तो मैंने बताने की कोशिश की है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है वही मैंने इसमें कवर किया है, ठीक है। तो आशा रखता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया, और पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सबसे ज़्यादा जरूरी है चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।